नमस्कार दोस्तों, अभी भी हमारे पे कॉल आया है और गैस गोडाउन के पीछे घायल स्थिति में कोबरा सांप रेस्क्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, हम आज खेरालू के जो गैस है गोडाउन के पीछे हम एक सिम विस्तार के अंदर आए हुए हैं और खेत मालिक बोल रहा था, हम खेत में पलाव मार रहे थे और नीचे कोबरा सांप आ गया था तो घायल स्थिति में हो गया है और इसको हमारे अस्पताल ले जाना है। तुम सटासट इसको रेस्क्यू करो और अस्पताल ले जाओ। ये सामने वाला घर है और हम सिंह विस्तार के अंदर सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अभी भी हमारे पे कॉल आया और हम सिंह विस्तार के अंदर जो सांगला रोड के पास सिंह विस्तार में एक सांप को घर मालिक ने बोला कि घायल स्थिति में हो गया है, इसीलिए हम तात्कालिक यहाँ आ गए और खेत में मजदूर काम कर रहे थे सब और सामने जो लोग खड़े हैं वहाँ सांप है। सांप कौन सा है हमें पता नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा, हम इसका रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। धन्यवाद। हम घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और ऐसा पब्लिक इकट्ठा हुई है, हमें कॉल किया, हम आ गए और इस सांप घायल हो गया है। खेत के अंदर ट्रैक्टर खेती में खेल रहा था और पालाव के अंदर ये सांप आ गया और घायल स्थिति में हो गया है। इसको हम ले जाएंगे और अस्पताल में ले जाएंगे, इसकी दवा करेंगे वो अच्छा करके फिर भी इसको जंगल विस्तार के अंदर रिलीज कर देंगे। धन्यवाद। हम सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं। भाई तो ना पाड़े सोलवा दो, हाल ना सोड़े नहीं दवा करी पड़े भाई, ये तो फॉरेस्टर में जाए हो आले आलू ले मुदाना पसी पसी तो दवा थई रे पसी बात सोलवा नहीं दो इने दवा तो करी पड़े पहली દવાઈ ને હાચો કરવાનો છોડવાની વાત પછી છે કે યાર, પેલા હાચો તો કરવું પડે ને। चलो स्थिति नहीं खराब है ये करियल जिले जिकले हमने घायल सांप को इसके पेट अंदर पूरा है और इसको अस्पताल ले जाएंगे, दवा दारू करेंगे और इसको ठीक कर देंगे और अब हम फटाफट यहाँ से अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस सांप का हम कुछ भी करेंगे लेकिन इसकी जान बचाएंगे और फिर इसको अच्छा करके जंगल विस्तार में रिलीज करेंगे। धन्यवाद। ला वो हूँ आज कर ला जी। तमें कौन खाए ¿Qué
Thank you.
આપડે ઝેર કાઢેલું નહીં આ થઈ જાય. બસ બે થોડું વાગેલો છું અને કાંઈ સ્થિતિમાં મને દેખાયો તો હું એને લાવી ને લાવ. હેલો, જીરાભાઈ આપણે ઝેરી કોબ્રા સાપને સારવાર કરી છે તેના વિશે શું કહેશો? અત્યારે સવારમાં વહેલો ફોન આવ્યો હતો, એ વખતે મને ફોન આવ્યો હતો કે એક સ્પીકરના અંદર પગાવ કરતા એક સાપ ગાયબ થયો છે, એટલા માટે કંઈક સારવાર કરવા માટે કોશિશ કરો. મેં ફોન કરીને તાત્કાલિક ઘટના કરું છું, ઘટના કરી છે અહીંયા સાપ લઈને આવ્યા, એ સાથે એના સાપના અંદર એક કરોડ રૂપિયાના એક આટલાથી લઈને થઈ ગયું છે અને આજુબાજુમાં ઘર સુધાઈ અને ત્યાં સારવાર આપીને અત્યારે ઘટના અંદર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ભાઈ ખેતર શેઠતા હતા, પલવમાં કાયન હતા, એમ ઘાયલ થઈ ગયો નાગ. એ નાગને અમે હાફ પકડવાળાને બોલાવ્યો, એ લઈ ગયા દવાખાને, દવા કરાવી પણ જીવ્યો ના ને મળી ગયો. તે પરત પાછો વાળો આવ્યા અમે અગ્નિશન ઘાટ કરીએ. લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કોમેન્ટ કરી.
ये हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हर पलों में आया तो बच्चे होता है।